गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से डॉक्टरों की गुंडई देखने को मिली। महिला पेशेंट को ड्रिप लगाने की बात को लेकर तीमारदारों की बेरहमी से पिटाई की गई। यही नहीं, परिजनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। हालात ये हो गए कि डॉक्टरों से बचने के लिए तीमारदार अपने पेशेंट को लेकर भागने लगे। दरअसल सोमवार की दोपहर महिला को दवा की डोज ड्रिप में दी जा रही थी। करीब 2:15 बजे ड्रिप खत्म हो गई। परिजनों ने ड्रिप लगाने की गुहार ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्सेस से लगाई। कई बार कहने पर नर्सेस ने पेशेंट की बोतल नहीं बदली, इसकी शिकायत परिजनों ने डॉक्टर से की। इलाज में लापरवाही की बात सुनकर डॉक्टर भड़क गए। आरोप है कि डॉक्टरों ने पेशेंट के बेटे आजाद अली को पीटना शुरू कर दिया। उसके बचाव में आए मामा आजाद अली और रिश्तेदार नियाज को भी पीटने लगे। सर्जिकल ब्लेड से आजाद ने हमला कर दिया। नियाज अली को कमरे में भी बंद कर दिया। पिटाई होने पर तीमारदार अपने मरीज को लेकर भाग खड़े हुए। ट्रामा सेंटर में बवाल होने से बाकी मरीज और उनके तीमारदार सकते में आ गए। लोगों में भगदड़ मचने पर गेट के सुरक्षा गार्डो ने भी बदसलूकी की। अस्पताल में हुई हरकत से नाराज तीमारदार मेडिकल कॉलेज चौकी के सामने पहुंच गए। लोगों ने सड़क पर लेटकर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना पर गुलरिया पुलिस मौके पर पहुंची। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी तीमारदारों के पक्ष में खड़े होने के बजाय उनको दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर पीटा। यही नहीं, गुस्साए तीमारदारों ने सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दिया। विवादों के बीच रहने वाली राधे माँ एक बार फिर चर्चा में है। भक्ति संगीत के बीच राधे माँ खुद को थिरकने से नहीं रोक पाई और अपने रंग में नजर आई। हमेशा विवादों में रहकर सुर्खियां बटोरने वाली राधे माँ ने संभल में आयोजित कल्कि महोत्सव में संतों के बीच जमकर डांस किया। महोत्सव में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर पूजा आराधना की गई और फिर राधे माँ के गीत गाए गए। इस दौरान कार्यक्रम आयोजित आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी राधे माँ के साथ जमकर डांस किया। आपको बता दें कि राधे माँ के डांस ने न सिर्फ महोत्सव में चार चांद लगा दिए बल्कि उन्होंने भक्तों के मन को भी खूब लुभाया। दरअसल संभल में हर साल कल्कि महोत्सव मनाया जाता है जिसको देखने दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। इसी बीच राधे माँ यहां पहुंची और अपने नृत्य से कार्यक्रम में जलवा बिखेर दिया। जिला प्रशासन हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने बिजली कटौती से परेशान होकर मजिस्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गौरतलब है कि हमीरपुर जिले में किसान पिछले कई सालों से मौसम का प्रकोप सहते सहते अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के कैथी सुरौली जैसे एक दर्जन से अधिक गांव के किसानों की फसल की बुआई के लिए विद्युत न मिलने से नाराज ये किसान यहां विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके गाँव में सिंचाई के लिए केवल और केवल निजी नलकूप ही सहारा है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण इन्हें लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार वे बाद भी जब विद्युत विभाग के आला अधिकारियों ने इनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो मजबूरन इन्हें यहां जमा होकर प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा। विद्युत विभाग के खिलाफ कर रहे किसानों का ये प्रदर्शन देखते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजधानी में छाई धुंध को लेकर गंभीरता जताते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनके जिम्मेदार कारणों का पता लगाया जाए और उपाय भी प्रस्तुत किए जाएं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का जनजीवन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि कूड़े के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाए और उसे जलाने से परहेज किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वाहन और जनरेटर आदि प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानकों के अधीन संचालित हो। खेतों में फसलों के अवशेष का निस्तारण इस प्रकार सुनिश्चित कराया जाए कि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी न हो। उन्होंने कहा कि जनपद में 50 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक के क्षेत्रों का चयन करके वृक्षारोपण कराया गया था और उनकी देखभाल सुरक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई थी, जिसके फलस्वरूप राज्य के वनावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जल्द से जल्द इस धुंध को भी तुरंत कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजधानी में कूड़े के निष्कासित की समुचित व्यवस्था की जाए और उन्हें जलाने से रोका जाए ताकि माहौल को बेहतर बनाया जाए और इस धुंध को कम किया जा सके। आखिरकार करण जौहर के शो कॉफी विद करण के 5वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत स्टार वर्ल्ड में हो ही गई। इस शो में पहले गेस्ट रहे आलिया भट्ट और शाहरुख खान। कॉफी विद करण के 5वें सीजन की शुरुआत शाहरुख खान और आलिया भट्ट के साथ हुई। शो में शाहरुख करण के साथ मिलकर मजाकिया अंदाज में आलिया को तंग करते भी नजर आए।
आलिया ने करण के सब सवालों के जवाब अपने हंसमुख अंदाज में दिए। साथ ही आलिया ने अपनी फैशन ब्रांड्स को लेकर समझ का भी सबूत शो के दौरान बखूबी दिया। रैपिड फायर राउंड हमेशा की तरह इस शो का सबसे खास हिस्सा था। इस राउंड में जब आलिया से पूछा गया कि वो किस स्टार को फॉलो करना पसंद करेंगी, तो आलिया ने करण जौहर को हैरान करते हुए बताया कि वो कंगना रनौत का पीछा करना चाहती हैं। इस शो में एक नए हिस्से की शुरुआत भी की गई है, जिसमें करण जौहर शो में आए गेस्ट को एक्टिंग करवाते दिखेंगे। जल्दी शो में सानिया मिर्जा और करण जौहर की करीबी दोस्त फराह खान भी नजर आएंगी। महिला सिपाही की आत्महत्या के प्रयास के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। महिला सिपाही को कुछ दिन पहले ही कमरा कब्जा करने के आरोप में बर्खास्त किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फैजाबाद निवासी कांस्टेबल मोनिका सिंह महिला थाना परिसर में बने क्वार्टर में रहती है। उनके खिलाफ किसी ने SSP से शिकायत की थी कि वो HRA और नाइट पास मिलने के बाद भी सरकारी क्वार्टर में रहती है। इसकी जांच CO तारागंज कर रहे थे। महिला सिपाही को कमरा खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। CO ने महिला सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसके बाद SSP ने मोनिका सिंह समेत दो सिपाही को सस्पेंड कर दिया। मोनिका के परिजन बताते हैं कि महिला थाने में तैनात एक ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने एक पक्षीय कार्रवाई की। बीती रात मोनिका बयान देने अधिकारी के पास गई थी, लेकिन उसे वहां से भगा दिया गया था। उसके बाद वो तनाव में आ गई थी। 8 बजे कमरे में मोनिका ने मिट्टी का तेल छिड़क लिया। इसके बाद उसने केरोसिन भी पी लिया। फिर उसने आत्महत्या की कोशिश की कि तभी साथी महिला सिपाही ने उसे आग लगाते देख लिया और बचा लिया। शोर मचाने पर महिला थाने की सिपाहियों ने आग बुझाई और उसे लेकर अस्पताल पहुंच गईं। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि इस घटना की जाँच की जाएगी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है और अपना पल्ला झाड़ रही है। अब लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आखिर महिला पुलिस के साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है, तो सोचिए यूपी की पुलिस आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करती होगी। दिल्ली का प्रदूषण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। व्हाट्सएप हो या ट्विटर, हर जगह दिल्ली के प्रदूषण से हाय तौबा मची हुई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। नोएडा के जिलाधिकारी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 7 और 8 नवंबर को बंद करने का फैसला लिया है। अगले आदेश तक कक्षा 3 से 12वीं तक की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक की होगी। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों को क्लासरूम में ही रखा जाए और खेल की कोई एक्टिविटी भी न कराई जाए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने आपात बैठक करके ये आदेश जारी किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 दिन तक दिल्ली के सभी स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बदरपुर प्लांट में रखे गए राख को ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। बैठक में CM केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑड इवन का मूल्यांकन फिर से किया जाएगा। केजरीवाल ने लोगों को अपने घरों से न निकलने की भी सलाह दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे अपनी पहली भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंची। सोमवार सुबह इंडिया UK टेक समिट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि मेक इन इंडिया भारत UK संबंधों को प्रगाढ़ करने में सहायक होगा। वहीं थेरेसा मे ने कहा कि दोनों देश एक विशेष संबंध साझा करते हैं। थेरेसा ने भारत ब्रिटेन टेक सम्मेलन में कहा, भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत संभावनाएं हैं, हमारा संबंध बहुत ही विशेष है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधारों पर काम कर रहा है और भारतीय निवेश से हमारी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद हो रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने यह भी कहा कि भारतीयों के लिए ब्रिटेन की यात्रा करना आसान होगा। थेरेसा ने कहा कि नियमित तौर पर ब्रिटेन आने वाले भारतीयों के लिए एक पंजीकृत यात्रा योजना है। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद थेरेसा मे पहली भारत यात्रा पर हैं। ब्रिटेन की कमान संभालने के बाद थेरेसा मे का यूरोप के बाहर और भारत में ये पहला दौरा है। समिट में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन एक अच्छे संबंध साझा करते हैं। सिलेंडर फटने से लगी आग। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में देर रात सिलेंडर फटने से लगी आग में जहां एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गुलरिया इलाके का यही वो बन रहा टोला है जहां देर रात एक हादसा हो गया,
दरअसल सरही गांव के बनहरा टोला निवासी गुरुदयाल की पत्नी गंगोत्री रात में खाना बनाने किचन में गई। बिजली न होने के कारण किचन में अंधेरा था। मोमबत्ती जलाने के लिए उन्होंने माचिस भी जलाया ही था कि अचानक आग लगे, जिससे गंगोत्री देवी झुलस गई। चीखते हुए किचन के बाहर निकली, इसी बीच गैस सिलेंडर फट गया, जिससे उनका 5 वर्षीय बेटा विवेक और आग बुझाने आए नंदकिशोर व संजय झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। बाद में नंदकिशोर की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। गैस सिलेंडर फटने के कारण किचन का कुछ हिस्सा भी उड़ गया है। फिलहाल घटना के बाद से जहां गांव में मातम का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भारतीय टीम में वापसी की राह अब आसान नहीं होगी। चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोच अनिल कुंबले ने अब नया नियम बना दिया है। नए नियम के हिसाब से अब चोटिल खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन करना होगा और उसके बाद उनके फॉर्म को देखते हुए ही नेशनल टीम में चयन के लिए सोचा जाएगा। दरअसल बीते समय में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जब खिलाड़ी गंभीर चोट की बजाय तेजी से वापसी के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं। दोबारा टीम में वापसी करते ही उनकी चोट फिर उभर आती है और उन्हें मैदान से फिर दूर होना पड़ता है। इस कारण से पूरी टीम प्रभावित होती है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन और भुवनेश्वर ऐसे ही खिलाड़ी हैं। अनिल कुंबले के कोच बनने के साथ ही ये तय हो गया था कि वो अपनी नई रणनीति के साथ टीम को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे और अब उनके नए नए प्रयोग ये साबित भी कर रहे हैं कि भारतीय टीम को एक बेहतर कोच मिल गया है। एक तरफ यूपी में मित्र पुलिस लोगों को जागरूक कर यातायात माह मना रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करने वाली जिम्मेदार पुलिस ही खुद लापरवाह बनकर नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई दिख रही है। गौर से देखिए ये नीली बत्ती लगी पुलिस की जीप, इस पर किस कदर आरोपियों को ठूस कर बैठाया गया है। इतना ही नहीं, इस पर पुलिसकर्मी जीप के पायदान पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी कार्यालय से देर शाम आरोपियों को जीप में इस तरह ठूस ठूस कर बैठाया गया। लापरवाही बयां कर रही ये तस्वीरें लाइव टुडे के कैमरे में कैद हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जिम्मेदार पुलिस ही ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, तो कैसे सफल होगा यूपी पुलिस का यातायात जागरूकता अभियान।